आज मैं मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा कि भाई मैं इंस्टाग्राम से कितना एडिक्टेड था। मैं वो पर्सन था जो सारा दिन इंस्टाग्राम पे मिनिमम 6 to 7 hours स्पेंड करता था। सारा दिन रील शॉर्ट्स हर जगह जाता था, बस रील स्क्रॉल करते रहता था। ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग को पता भी नहीं चलता था, मेरे को पता नहीं चलता था कि मेरे 6 to 7 hours बीत गए, वेस्ट हो गए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। खाना खा रहा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मोबाइल साथ में है, कहीं बाहर जा रहा हूँ मोबाइल साथ में है, अगर स्टेप स्टूडियो पे हूँ तो भी मोबाइल स्क्रॉल करते करते चल रहा हूँ। मैंने नोटिस किया कि भाई मैं हो गया हूँ एडिक्टेड एकदम इंस्टाग्राम यूट्यूब से। और फिर बाद में मेरे को महसूस हुआ कि भाई साला मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी सारी टाइम यूट्यूब इंस्टाग्राम को दे रहा हूँ, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। सारा टाइम तो मेरा मोबाइल खा जाता है, पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में। ना कोई प्रोडक्टिव काम कर पाता था, ना किसी चीज़ में मन लगता था, कुछ और करने का मन नहीं करता है। ना तो मैं जिम एक्सरसाइज करने का मन करेगा, ना तो मैं बाहर जाने का मन करेगा, ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद आएगा, बस तुम्हें गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस होगा और फिर तुम सारा दिन इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करते रह जाओगे। ऐसा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो जो कोई काम का नहीं है। साइंटिफिक और रिसर्च से पता चला है कि भाई आजकल 2023 में एक नॉर्मल पर्सन 6 to 7 hours वो इंस्टाग्राम पर बर्बाद कर देता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की शॉर्ट्स पे। तो भाई सोचो कितना एडिक्टेड हो गया पर्सन। अब भाई सोचो मैं भी इंस्टाग्राम और रील्स के चक्कर में घुस गया था। अब बात ये आती है कि भाई मैं इससे बाहर कैसे निकला। तो भाई क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो मैंने फेस किया कि आप भी इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे अपनी टाइम बर्बाद करते रहते हो और इससे बाहर निकलना चाहते हो? और मैंने क्या रूल्स फॉलो किया, मैंने क्या सॉल्यूशन फॉलो किया क्या जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स में माया जाल से बाहर निकल पाया और आपको भी निकाल दूंगा। डोंट वेरी, वीडियो अंत तक देखना, सब कुछ सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो भाई किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला काम मैंने क्या किया और जो आपको भी करना है, एंड दैट इज मैंने इंस्टाग्राम तभी का तभी डिलीट कर दिया। हाँ भाई तूने एकदम सही सुना, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। अब इंस्टाग्राम डिलीट करने की बात सुन के ही आपका माइंड आपको बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर देगा कि भाई तुझे तो इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई कुछ इंपॉर्टेंट काम भी तो हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी तो आ सकते हैं ना, और मैं कहा इतना भी इंस्टाग्राम देखता हूँ, बस थोड़ी वक्त के लिए देखेंगे और बाद में तो अपन ऐसे मतलब अभी जैसे देखते थे वैसे नहीं देखेंगे। ये सब बातें आपका माइंड आपको कहना स्टार्ट कर देगा ताकि आप इंस्टाग्राम डिलीट ना करो। बट मैंने क्या किया, मैंने ऑन द स्पॉट डिलीट कर दिया। बहुत बातें आई दिमाग में कि भाई ये है वो है, मत कर, तेरा यूट्यूब का काम है वो है, सभी ऑडियंस है, बट नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। और आपको भी यही करना है, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो इंस्टाग्राम पे, सारा जो इंपॉर्टेंट है वो कॉल कर देंगे या फिर वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम पे नहीं भाई। तो ऑन द स्पॉट आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ठीक है? मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो आपको कह देगा कि भाई हम लिमिटेशन करेंगे, हम मतलब 10-15 मिनट ही देखेंगे, वो करेंगे ये करेंगे, दिन में 1-2 घंटा देखेंगे। नहीं भाई, ऑन द स्पॉट जस्ट जड़ से ही उस पेड़ को काट दो, उस बीमारी को जड़ से ही काट के फेंक दो, तो फिर कैसी बीमारी। तो ऑन द स्पॉट इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। आपको इंस्टॉल करने का मन होगा बट आपको फिर से इंस्टॉल नहीं करना है, ये डिसीजन आपको आज से लेना पड़ेगा जो मैंने लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड काम की ओर जो मैंने फॉलो किया, एंड दैट इज आपको आज से शॉर्ट्स और रील्स देखना एकदम बंद कर देना है। मैंने वो किया। अब भाई साइंटिफिक और रिसर्चर्स के हिसाब से आजकल यूथ का जो माइंडसेट है, जो फोकस पावर है, वो बहुत नीचे गिर गया है। 5 to 6 seconds के बाद हर टाइम उन्हें कुछ नया चाहिए, उनका फोकसिंग पावर एकदम डाउन हो गया है। और ये कैसे हुआ, द रीजन इज ओनली इंस्टाग्राम के रील्स एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स। क्योंकि आपको 5-10 seconds में कुछ नया मिलता है, आपका फोकस एक जगह रहता नहीं है, और आज के लॉन्ग वीडियोज तो देखना ही बंद कर दिया आप लोगों ने। तो ये आपको क्या करना है, आपको आज से, या फिर मैंने क्या किया था, इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब की शॉर्ट्स एकदम बंद कर दिया था और रिप्लेस किया। हमें सब कुछ एकदम बंद नहीं करना, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। शॉर्ट्स और रील्स को मैंने रिप्लेस किया लॉन्ग वीडियो से। 10 to 15 minutes के जो वीडियोस होते हैं, 8 to 10 minutes के जो वीडियो होते हैं, वो देखना स्टार्ट किया। अगर वो काम के हैं तो देखो, बट शॉर्ट्स और रील्स तो नहीं देखना है। कैसी भी नॉलेज हो बट शॉर्ट्स और रील्स है तो हमें नहीं चाहिए वो नॉलेज, लॉन्ग वीडियोस देखना स्टार्ट करो। तो आपका फोकस पावर इंप्रूव होगा, आप एक जगह पे एक पॉइंट पे लॉन्ग टाइम पर रहोगे तो आपका मेमोरी पावर भी इंप्रूव होगा। तो मेन अब क्या करना है, आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी है, आपको अपना फोकस पावर बढ़ाना है, तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, शॉर्ट्स और रील्स को
कट कर दो आज से। और अब बढ़ते आखिरी तीसरे काम या फिर सॉल्यूशन के ऊपर जो मैंने पर्सनली फॉलो किया, और हम ये सभी गलती करते हैं, एंड दैट इज हम हमेशा अपना मोबाइल साथ में रखते हैं। चाहे तुम बाथरूम में जाओ, चाहे तुम घूमने जा रहे हो, चाहे तुम नीचे गए ऐसे ही अपने घर से थोड़े बाहर गए तो मोबाइल साथ में लेके चलोगे, किधर भी जा रहे हो हम अपना मोबाइल साथ में ही रखते हैं, चाहे वो जरूरत है या फिर नहीं। खाना खाने वक्त भी साथ रखेंगे, सोने वक्त भी साथ रखेंगे, हर वक्त अपना मोबाइल अपने से चिपका के रखेंगे। ये ही सबसे बड़ी गलती है। सुबह तुमने आंखें खोली नहीं और मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, ये सब बहुत ही गंदी आदतें हैं। तो आपको आज से क्या करना है, आज से ही मोबाइल से डिस्टेंस रखो। हर वक्त आपको मोबाइल साथ में नहीं रखना है, खाना खाने वक्त साथ नहीं रखना है, अगर आप ऐसे घूमने बाहर जा रहे हो नीचे तो मोबाइल साथ नहीं रखना है, अगर आप सोने जा रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस रखो मोबाइल से, अगर आप सुबह उठो तो तभी का तभी आपको मोबाइल कभी भी नहीं देखना है। आपको टाइम सेट करने पड़ेंगे कि भाई 3-4 घंटे के बाद ही मैं मोबाइल देखूंगा, अगर मैं 6 बजे उठाऊँ तो 9-10 बजे के बाद ही मोबाइल देखूंगा, तब तक अपने प्रोडक्टिव काम करूंगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर हमेशा आप अपने साथ मोबाइल रखोगे तो आपका जो माइंड है ना बहुत चालाक है, आपको कोई काम करने नहीं देगा, आपको सिर्फ टाइम पास करने की चीज़ें ढूंढेगा और सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स स्क्रॉल करने में आपको बिजी कर देगा। तो वैसा अपने को करना नहीं है, अपने को अपने माइंड को ही बेवकूफ बनाना है। तो मोबाइल क्या करना है, अपने से दूर रखना है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो काम तभी का तभी निपटाओ और फिर अपने से दूर कर दो, हमेशा साथ रखने की जरूरत है नहीं मेरे भाई। जब थोड़ा मोबाइल से तुम डिस्टेंस रख दोगे तब आपको रियल लाइफ क्या होती है वो समझ में आएगी कि भाई फैमिली वाकई में इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली के साथ बातें करनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमेशा उनको अवॉइड करेंगे तो फिर हम क्या ही जी रहे हैं भाई। फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स के साथ जाके घूमो बातें करो, फिर ऐसे ही अकेले घूमने चले जाओ तो फिर उसमें अलग ही मजा है, अलग ही फील है। ये सब चीज़ें आपको मोबाइल इंस्टाग्राम कभी भी आपको फील नहीं करवा सकती। तो हमेशा ये चीज़ आपको करने के, हमेशा अपने साथ अपना मोबाइल नहीं रखना है। बहुत क्लियर पॉइंट बोला है भाई, कोई मैंने ऐसे जादू की छड़ी घुमा के आपको कुछ कहा नहीं है, बहुत ही बेसिक और क्लियर पॉइंट कहा है। और अगर आपने फॉलो किया तो वाकई में मेरी तरह आपकी भी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और अगर आपको वैसे का वैसा रहना है, अगर आपको वैसे बेवकूफ एक चढ़ाऊ इंसान रहना है जिसको कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में, जिसको सिर्फ टाइम पास करनी है, तो बस आज से इंस्टाग्राम वगैरह इंस्टॉल रखो, शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते रहो, अपने टाइम बर्बाद करते रहो। अगर वैसा बनना है तो भाई जो कहा है वो इस कान से डालो और इस कान से निकाल दो। बट अगर आपको वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो, अपने माँ बाप का नाम ऊपर करना है, खुद का नाम, खुद की वैल्यू सोसाइटी में हर जगह रखनी है, और मेन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, इस सब चीज़ों को बढ़ाना है और अपनी ज़िंदगी में वाकई में एक सुधार लाना है, तो भाई आज से इंस्टाग्राम डिलीट कर दे और शॉर्ट्स और रील्स को रिप्लेस कर दे लॉन्ग वीडियो से। और लास्ट पॉइंट अपना क्या था कि भाई हमेशा अपना मोबाइल अपने साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।